नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में हमारा जो विषय है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न को समझाइए। जी दोस्तों, एग्जाम में कई सारे प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं जो कि निम्नलिखित को समझाइए, टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए या निम्न को एक्सप्लेन कीजिए। जिसमें अगर बात करें तो कुछ मुख्य टॉपिक जो कि विंडोज़ के अंदर होते हैं, जिसमें माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल एंड फोल्डर, शॉर्टकट, मतलब डेस्कटॉप से रिलेटेड सारे ये कंपोनेंट्स हैं जो कि एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर आज हम चर्चा करते हैं। कंप्यूटर में जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में, लोड होने के बाद में, सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। जी दोस्तों, डेस्कटॉप दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, डेस्क और टॉप, मतलब डेस्क के टॉप पर रखा हुआ। अब डेस्क के टॉप पर रखने से तात्पर्य यह नहीं है कि कंप्यूटर टेबल के ऊपर या डेस्क के ऊपर रखा रहता है तो उसे हम डेस्कटॉप कहें। यहां पर डेस्कटॉप का जो मीनिंग है वो हमारी रियल लाइफ से मिलकर के बना हुआ है। जैसे एक प्रिंसिपल, एक मैनेजर या एक अधिकारी के केबिन या ऑफिस में हम जाते हैं तो वहां आप देखेंगे कि उसके ऑफिस में जो उसकी टेबल है, उस टेबल के टॉप पर, मतलब उसकी डेस्क के टॉप पर उसके आवश्यकता से संबंधित सभी सामग्री होती है। अब उसके आवश्यकता से संबंधित सामग्री जैसे उसके पेन, पेंसिल, फाइल, फोल्डर, स्टेपलर, पंचिंग मशीन या अन्य किसी प्रकार से सील, सील पैड, ये जितने भी प्रकार के उसके कंपोनेंट्स हैं जो उसके टेबल के ऊपर रखे हैं, टेबल के टॉप पर रखे हुए हैं, वो उसके कार्य से संबंधित है। अगर वो उसके ऑफिस में जा रहा है, उसे कार्य करना है, तो उससे इन सभी चीजों की आवश्यकता रहेगी, तभी वो कार्य कर सकता है, जो कि उसके सामने डेस्क के टॉप पर रखी रहती है। ठीक उसी तरह से जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने ओपन होकर के आती है उसे पर्टिकुलर हम कहते हैं डेस्कटॉप। जी दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में ये सबसे पहली स्क्रीन जो आपके सामने आती है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पर सारे कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, जिसमें आइकॉन होते हैं, टास्क बार होता है, अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर या सारे कंपोनेंट्स उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों, डेस्कटॉप जो हमारा टॉपिक है उसमें अगर हम बात करें तो कई सारे अलग अलग भाग इसके अंदर होते हैं, जिसमें माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल फोल्डर, शॉर्टकट वगैरह सभी चीजें। सबसे पहले बात करते हैं हम माय कंप्यूटर की। माय कंप्यूटर एक प्रकार का आइकॉन होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में दो तरह के आइकन होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के आइकन होते हैं। एक होता है सिस्टम आइकन, एक होता है पर्टिकुलर हमारा फाइल आइकन, एक होता है हमारा प्रोग्राम एंड फाइल आइकन, एक होता है शॉर्टकट आइकन, एक होता है फोल्डर आइकन। उन्हीं में अगर सिस्टम आइकन की बात करें तो ये वे आइकन होते हैं जो सिस्टम के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो सिस्टम के द्वारा ही निर्मित होते हैं, जिन्हें बनाने का काम यूजर के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वैसे स्वतः ही ये आइकॉन डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। उन्हीं आइकॉन में से एक होता है माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर आइकॉन एक छोटे कंप्यूटर जैसा दिखाई देता है। आप सभी ने देखा होगा डेस्कटॉप पर एक आइकॉन होता है जिसे हम माय कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये जो लिखा हुआ है दिस पीसी, ये एक प्रकार का माय कंप्यूटर, एक छोटे से कंप्यूटर का आइकॉन बना हुआ है, इसे माय कंप्यूटर कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में, किसी विंडोज के अंदर माय कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, किसी में दिस पीसी लिखा हुआ रहता है, जिस पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित जो विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है।
इसके अंदर अलग अलग ड्राइव्स ओपन हो जाती है, सी डी, मतलब आपके हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। साथ में आपका सी डी डीवीडी ड्राइव वगैरह जो भी लगा हुआ है इसे यहाँ पर वो शो करने का काम करता है। साथ में आपके डेस्कटॉप से संबंधित जो म्यूजिक वीडियो वगैरह है वो यहाँ पर शो करेगा। इधर अलग से एक्सप्लोर के रूप में सारे जो करेंट कंपोनेंट्स है वो आपके सामने शो करेगा। तो ये एक प्रकार का माई कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी जो अलॉकेट होती है उसे प्रदर्शित करने का काम करता है। इस कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई प्रत्येक ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी आपके सामने होती है। माई कंप्यूटर पर वर्क करने से पहले इसे ओपन करना पड़ता है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो ये आप क्लिक करने के बाद में इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में पर्टिकुलर माई कंप्यूटर की विंडो आपके सामने दिखाई देगी जिसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये माई कंप्यूटर का मैंने डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है जिसमें सी डी ई ये आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन है जो आपके सामने ओपन होते हैं। साथ में जितने भी प्रकार के उसमें फोल्डर आइकॉन होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। हार्ड डिस्क के पार्टीशन ओपन होते हैं, आपके जो फ्लॉपी ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है, उसके भी आइकॉन आपके सामने शो होंगे। साथ में माय कंप्यूटर की बात करें तो हम अपने माय कंप्यूटर के द्वारा अपने कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट तथा हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन को एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें ओपन करके देख सकते हैं उनमें क्या डाटा है। माय कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन के आइकॉन पर डबल क्लिक करने पर उसे ओपन किया जा सकता है और विभिन्न जितने प्रकार के उसमें फोल्डर होते हैं उन सब फोल्डर को खोलकर उसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं तथा उनको देख भी सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें हम ट्रांसफर करने का भी काम कर सकते हैं। साथ में दोस्तों माय कंप्यूटर जो होता है एक विशिष्ट आइकन होता है जो हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। हमारे कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, हमारे कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मेमोरी स्पेस होती है, कितनी यूज हो चुकी, कितनी बाकी है, कौन सी हार्ड डिस्क, कितने जीबी की रैम, कौन सा प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है, इसे भी प्रदर्शित करने का काम माय कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये माय कंप्यूटर, मैं आपके सामने यहाँ राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अगर इसके प्रॉपर्टीज पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। आप देख सकते हैं आपका जो विंडोज 10 इसके अंदर है, पर्टिकुलर जो इसका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो सन में ये पर्टिकुलर लॉन्च हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रोसेसर की जानकारी वो दे रहा है, इंटेल कोर i5 मेरा प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मेरा डिवाइस मैनेजर, मेरे प्रमोट की से रिमोट की सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि माय कंप्यूटर के माध्यम से ये शो करता है। ये एक प्रकार का सिस्टम आइकॉन होता है जो सिस्टम के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन को भी प्रदर्शित करता है। साथ में आपके हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है वो कितनी उपयोग में ला चुकी, कितनी बाकी है, वो भी इस प्रकार से शो करता है। जो ब्लू लाइन है वह मेमोरी यूज हो चुकी है और जो ब्लैंक है वह मेमोरी अभी बाकी है, इतनी स्पेस अभी बाकी है। तो यह पहला आइकॉन होता है डेस्कटॉप पर, पहला कंपोनेंट जिसे हम माय कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों होता है माय डॉक्यूमेंट। माय डॉक्यूमेंट यह कंप्यूटर का एक प्रकार का सिस्टम फोल्डर है, मतलब सिस्टम आइकॉन कहलाता है। जब हम कई फाइल्स का निर्माण करते हैं मतलब उनको क्रिएट करते हैं तो उसकी जो सीधी लोकेशन होती है वो माय डॉक्यूमेंट होती है। जैसे आप एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बना रहे हैं और फाइल को जैसे आप स्टोर करेंगे तो आप उसकी लोकेशन देंगे कि आपको डी में सेव करना है कि ई में सेव करना है, लेकिन अगर आप लोकेशन नहीं देंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है वह माय डॉक्यूमेंट की होती है। और माय डॉक्यूमेंट के अंदर ही पर्टिकुलर कई प्रकार से जैसे माय म्यूजिक का फोल्डर होता है, माय पिक्चर का होता है, माय वीडियो, मतलब आप जैसे ही नेट से कोई म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन माय म्यूजिक रहेगी। आप कोई वॉलपेपर फोटो पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन माय पिक्चर रहेगी। कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो वीडियो उसकी लोकेशन रहेगी। ये एक अलग से सेकेंडरी मेमोरी स्पेस होती है दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट डाटा स्टोर होता है, जिसमें कोई लोकेशन नहीं होती है, वो लोकेशन माय डॉक्यूमेंट कहलाती है। और आप देख भी सकते हैं जैसे कि मैं पर्टिकुलर अगर आपको बताऊं तो यह पर्टिकुलर माय डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने किसी आइकन पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है ये एक प्रकार से डाटा को स्टोर करने का काम करता है। डॉक्यूमेंट के अंदर कई प्रकार के फोल्डर्स वगैरह को भी क्रिएट आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो टास्क बार। टास्क बार आप सभी ने देखा ही है
डेस्कटॉप पर एक कंपोनेंट्स होता है जो सबसे नीचे नीले रंग का या इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग थीम के अनुसार उसका कलर होता है। विंडोज का टास्क बार बहुत महत्वपूर्ण भाग इसका होता है, इस पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, मतलब जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी प्रोग्राम मैं चलाता हूँ वो सब करंट में मेरे सामने ओपन है। वर्ड जो पीपीटी है या पर्टिकुलर किसी प्रकार का इंटरनेट से संबंधित ब्राउजर है या अन्य किसी प्रकार का प्रोग्राम। साथ ही जिन प्रोग्राम को हम क्लोज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैग्निमाइज करना चाहते हैं, वो सारा काम भी हम टास्क बार की सहायता से कर सकते हैं। विंडोज के अंदर पर्टिकुलर टास्क बार को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, मतलब अपने अनुसार आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको रखना है क्या नहीं रखना। आप देख सकते हैं एक साइड स्टार्ट बटन शो होता है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और सबसे लास्ट में क्लॉक एंड घड़ी को भी वो शो करता है। यहाँ से हम करंट टाइम वगैरह भी देख सकते हैं। साथ में अलग अलग प्रकार के जो नोटिफिकेशन एरिया जो होते हैं वो भी आप ओपन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से जो क्विक लॉन्च होते हैं जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से सारे प्रोग्राम्स को आप रख सकते हैं, एड्रेस बार को आप रख सकते हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो कि टास्क बार, जिसमें एक स्टार्ट बटन होता है जहां से हमारा कार्य हम प्रारंभ करते हैं और यहीं से हमारे वर्क का हम एंड भी करते हैं, तो इसे टास्क बार कहा जाता है। और टास्क बार के अंतर्गत अगला कंपोनेंट एक होता है स्टार्ट बटन। जब विंडोज के अंदर विंडोज को पहली बार चलाते हैं तो स्टार्ट मेनू स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है। और इसके अंदर विंडोज के सभी प्रोग्राम जितने भी होते हैं, जितने प्रोग्राम हम चलाते हैं ऑपरेट करते हैं, वो सभी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। और उसके बाद में स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल पैनल, सर्च नेटवर्क आदि ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये स्टार्ट मेन्यू जो ओपन हुआ है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स वगैरह मेरे सामने हैं। यहाँ से मैं शट डाउन भी कर सकता हूँ, इसे ओपन भी कर सकता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह को मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और साथ ही पर्टिकुलर जब कंप्यूटर पर आपका कार्य समाप्त तो हो जाता है, आपको कार्य नहीं करना है, तो आप स्टार्ट बटन की सहायता से ही इसे शटडाउन करने का भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला कंपोनेंट होता है हमारा फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर के अंदर होते हैं और हमारे लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फाइल मतलब हमारे डाटा का कलेक्शन और फोल्डर मतलब फाइल का कलेक्शन। जब दो या दो से अधिक फाइल को जिसके अंदर रखा जाता है उसे हम फोल्डर बोलते हैं, और डाटा को हमारी सूचनाओं को जिसके अंदर हम रखते हैं उसे हम फाइल बोलते हैं। किसी कंप्यूटर में बनाई जाने वाली फाइल को किसी माध्यम पर स्टोर हम कर सकते हैं या किया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, या फाइल्स की बड़ी जो संख्या के कारण उसे विभिन्न अलग अलग डायरेक्टरी में भी बांट दिया जाता है, या उसे हम अलग अलग डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब फाइल एंड फोल्डर की दोस्तों बात करें तो किसी भी फोल्डर में नया फोल्डर बनाना, मतलब अगर आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है तो सीधी सी प्रोसेस आपको पता ही है। सबसे पहले फोल्डर को बनाने के लिए पर्टिकुलर जहां फोल्डर बनाना उस लोकेशन को आप ओपन कर लो, वहां पर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू के अंदर आपको फोल्डर मिलेगा और फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर मिलेगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप उस पर पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करके बताता हूँ, आप भी वैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में न्यू पर जाना है, न्यू के अंदर आपको फोल्डर पर जाना है। जैसे फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं, और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फोल्डर को दोस्तों क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे ओपन भी कर सकते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो इसी प्रोसेस के साथ फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को हटाना तो सीधी सी प्रोसेस से आप उसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं, या पर्टिकुलर राइट क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं जिससे फोल्डर डिलीट हो जाएगा। किसी फाइल या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ले जाना है तो आप उसे कट करके भी ले जा सकते हैं या आप उसे कॉपी करके भी ले जा सकते हैं, और जैसे ही जिस जहां आपको उसे पेस्ट करना है वहां पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को दूसरे के ले जाना सेम प्रोसेस है। किसी फाइल या फोल्डर को खोजना मतलब उसे सर्च करना है तो आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च ऑप्शन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सर्च ऑप्शन है, यहाँ उसका नाम टाइप कर दीजिए। जैसे आप उसे नाम टाइप करेंगे फाइल का या फोल्डर का तो वह आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप वहां से उसे ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक प्रकार से पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर जो कि सिस्टम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। फाइल को भी हम किसी भी
सॉफ्टवेयर की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में है तो एमएस वर्ड से आप क्रिएट कर सकते हो, नोटपैड में है तो नोटपैड से आप क्रिएट कर सकते हो। फाइल पे क्लिक करो, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, आप उसमें जो भी टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं और फाइल को किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। और उसी तरह से फोल्डर को क्रिएट करना है तो फोल्डर को क्रिएट करने की प्रोसेस हमने देखी, एज इट इज आप फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप पर एक प्रकार के आइकॉन भी होते हैं, फोल्डर आइकॉन एंड फाइल आइकॉन। अगला कंपोनेंट बात करें तो होता है दोस्तों रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, आप सभी जानते हैं यह एक डस्टबिन की तरह कार्य करता है, यह भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को एलोकेट करता है। दोस्तों कई प्रकार के डाटा या फाइल फोल्डर हमारे ऐसे होते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है तो हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो जैसे हम उन फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो तुरंत वहां से हट जाते हैं, लेकिन हटने के बाद वो पूरी तरह से कंप्यूटर से गायब नहीं होते हैं, वह रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। रिसाइकल बिन में स्टोर होने के बाद पर्टिकुलर जब हमें उन्हें फोल्डर या फाइल की आवश्यकता रहती है तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों जैसे एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर हम कचरा डालते हैं, कचरे में यदि हमारा कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चला गया है तो हम डस्टबिन से उसे वापस निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से रिसाइकल बिन भी कार्य करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष फोल्डर ये होता है, सिस्टम आइकॉन ही ये कहलाता है, जिसकी सहायता से हम अपने डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर को सरलता से बचा सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। हार्ड डिस्क से हटाई गई प्रत्येक वस्तु ऑब्जेक्ट फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। इस रिसाइकल बिन को आप बाद में कभी भी ओपन कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आपकी डाटा या फाइल ऑब्जेक्ट को आपकी आवश्यकता है तो वो पुरानी जगह पर वापस जाकर के स्टोर भी की जा सकती है। रिसाइकल बिन को पूरी तरह से खाली करना भी संभव है, लेकिन अगर एक बार आपने रिसाइकल बिन को खाली कर दिया तो उसे प्राप्त करना संभव नहीं है, मतलब वो डाटा पूरी तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। रिसाइकल बिन का आकार एक हार्ड डिस्क के आकार की क्षमता के किसी प्रतिशत के रूप में सेट किया सकता है, मतलब जो आपके हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी जैसा मैंने बताया उसके अनुसार पर्टिकुलर कुछ भाग रिसाइकल बिन के अंदर ऐड कर दिया जाता है जिसमें वह डाटा जा करके स्टोर होता है। अब दोस्तों रिसाइकल बिन को खाली करना, मतलब अगर आप रिसाइकल बिन को भी खाली करना चाहते हैं तो उस पर आप राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद में जो मेन्यू लिस्ट आएगी उसमें आप एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिसाइकल बिन है वो पूरी तरह से ब्लैंक या खाली हो जाएगा। यह एक प्रकार से रिसाइकल बिन जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होता है सिस्टम्स के अंतर्गत। दोस्तों माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल एंड फोल्डर एंड शॉर्टकट। शॉर्टकट की दोस्तों बात करें तो शॉर्टकट भी एक प्रकार का आइकॉन है जिसे यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। शॉर्टकट जो होता है यह हमें हेल्प करता है हमारी फाइल को ओपन करने में, मतलब आपकी जो मुख्य फाइल है वो मान लीजिए कि पर्टिकुलर आपने उसे माई कंप्यूटर के अंदर या कहीं पर स्टोर करके रखा हुआ है ना। जैसे दोस्तों अगर बात करें जैसे किसी फाइल की हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जैसे यहाँ पर एक फाइल है लोगो करके, ये जो पर्टिकुलर फाइल है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद में पर्टिकुलर यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, सेंड टू, और सेंड टू के अंतर्गत आप देखेंगे तो डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, जैसे राइट क्लिक करेंगे सेंड टू, सेंड टू के अंदर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये लोगो नाम की जो फाइल है ये मेरे एफ ड्राइव के अंदर है, मतलब माई कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन मैंने उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर रख दिया है। अब जैसे ही पर्टिकुलर मुझे शॉर्टकट को ओपन करना है तो जैसे मैं शॉर्टकट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो मेन फाइल है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो लोगो है वो यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो गया है, मतलब मेरी मुख्य फाइल मेरे माई कंप्यूटर में है लेकिन उसका एक शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। जैसे ही वहां डबल क्लिक करूंगा तो वो मेरी मुख्य फाइल से लिंक करेगा और उस फाइल को ओपन करके मेरे सामने ले आएगा। वो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट का कोई अपना महत्व नहीं होता, अगर आप उसे डिलीट भी कर देंगे तो आपकी मुख्य फाइल डिलीट नहीं होगी, मुख्य फाइल जहां है वहां पर स्टोर रहेगी। और दूसरी बात दोस्तों शॉर्टकट को पहचानने का तरीका है, अगर किसी आइकॉन में इस प्रकार का एरो बना हुआ है छोटा सा, मतलब ये एक प्रकार का शॉर्टकट है,
और जहां एरो नहीं बना हुआ है वो एक प्रकार का मुख्य प्रोग्राम है और मुख्य फाइल है। तो ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स दोस्तों डेस्कटॉप से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर देखे, हमने यहाँ पर चर्चा की, जो कि विंडोज के अंदर माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल एंड फोल्डर एंड शॉर्टकट। और एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित को समझाइए या निम्न को एक्सप्लेन कीजिए या इनमें से कोई सा भी आपको शॉर्ट नोट दे दिया जाए तो उसे विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से नोट्स के माध्यम से उसको पढ़िए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्न के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।